हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में एक को फिर रेलवे भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 10th पास के लिए निकल के आ रहा है, यानी कि 10th पास ग्रुप डी अटेंडेंट की वैकेंसीज आपको मिल रही है। ये जो नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है रेलवे की ओर से वो अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपको मिल रहा है। और इसमें सैलरी आपको मिलेगी 18,000 रुपये प्रति महीना, आपको इसमें सैलरी मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल 1 के अनुसार इसमें आपको वेतन मिलेगा। और आप घर बैठे ईमेल आईडी या ऑनलाइन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नो एग्जाम फीस, यानी कि इसमें आपकी बिना परीक्षा सिलेक्शन होगा और किसी प्रकार का एग्जाम फीस इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको नहीं देना होगा। तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई करें। और इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th है और इसमें महिला पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी में बताएंगे कि ये फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे और इसके साथ आपका कैसे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो पश्चिमी रेलवे ग्रुप डी परिचारक की पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, तो ये जो वैकेंसीज निकल रही है वो पश्चिमी रेलवे से निकल रही है। आपको वैकेंसीज आपको पश्चिमी रेलवे से मिल रही हैं और ये वैकेंसी ग्रुप डी परिचारक की वैकेंसीज आपको मिल रही है, यानी कि ग्रुप डी अटेंडेंट की वैकेंसीज आपको ये मिल रही है। और इसमें आपको फिर पोस्ट नेम बताई है कि आपको पोस्ट कौन सी मिल रही है, तो परिचारी और इसके साथ ग्रुप डी, ये आपको वैकेंसीज मिल रही है। पोस्ट नेम आपको बताया है कि पोस्ट कौन सी मिल रही है आपको, तो ये पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। और इसके साथ बात की जाए आपको वेतन क्या मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगी, तो वेतनमान आपको बताया है कि लेवल 1 के अनुसार इसमें आपको वेतन मिलेगा। लेवल 1 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे आपको इसमें वेतन बताया गया है। 18,000 रुपये प्रति माह आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। और इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है। और आपकी उम्र सीमा इसमें बताई है, एज जो आपको बताई गई है वो बताई गई है आपको 18 से लेकर 33 वर्ष के बीच यदि आप हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ फिर आपको इसमें बताया कि आवेदन कैसे करें, तो ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे राज्यों में कोविड के कारण जो है कर्फ्यू जैसे हालात हैं, कुछ राज्यों में तो लॉकडाउन भी है, वो घर बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको केवल फॉर्म सबमिट करना होगा, इसमें किसी प्रकार की आपको जो है इसमें आपको नो फीस है, यानी कि आपको इसमें फीस नहीं जमा करवानी होगी, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। और चयन, चयन इसमें आपका दो प्रकार से होगा, एक तो मेरिट के जो अंक है आपको, जो मैट्रिक के अंक है यानी कि 10th के जो अंक है उनके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, या आपको इसमें एक और मौका दिया जाएगा, वीडियो कॉलिंग के आधार पर आपको भी इसमें सेलेक्ट किया जाता है। क्योंकि अभी आपको पता है कि आप इंटरव्यू प्रोग्राम में भाग नहीं ले सकते हैं, आप घर बैठे इंटरव्यू दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो आप फॉर्म अप्लाई करें उसमें आपको व्हाट्सअप नंबर या आपको एक मेल आईडी बताई जाएगी कि उस मेल आईडी पे आपको नंबर जो है सेंड करने होते हैं। आपका फॉर्म यदि सेलेक्ट हो जाता है तो आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल या वीडियो कॉल आएगा। और इसके साथ ये इंडियन आर्मी के कुछ अधिकारी आपका इंटरव्यू लेंगे, तो ये आपका इसमें चयन मेरिट बेसिस पे है। और इसके साथ आपका वीडियो कॉलिंग के आधार पे भी जो इसमें आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो ये इसमें आपको बताया है कि पश्चिमी रेलवे का यह नोटिफिकेशन है, पश्चिमी रेलवे का नोटिफिकेशन है। और इसके लिए आपको बताया कि 5/5/2021 को ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है, 5/5/2021 को नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में आपको वैकेंसी संबंधी डिटेल्स बताई है कि आप कितनी वैकेंसीज आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। तो सबसे पहले आपको इसमें बताया है पोस्ट नेम, तो यहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके साथ आपको सैलरी बताई है कि सैलरी आपको क्या मिलेगी, उम्र सीमा क्या रहेगी, तो 18 से लेकर 33 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ आप इसमें आपको सैलरी 18,000 रुपये हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, इसमें फिर आपको बताया है कि अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसमें सबसे पहले वैकेंसी संबंधी डिटेल्स आपको बताइए कि ऑफिस हॉस्पिटल अटेंडेंट यानी कि अस्पताल परिचारी की वैकेंसीज आपको मिल रही है रेलवे। और इसके साथ इसमें कितनी वैकेंसीज मिल रही है, 17 वैकेंसीज टोटल आपको मिल रही है। यहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज मिल रही है, किस कैटेगरी को, यूआर को 6 वैकेंसीज मिल रही है, ईडब्ल्यूएस को 2 वैकेंसी, ओबीसी को 5 वैकेंसी, एसटी को 1 वैकेंसी, और इसके साथ आपको एससी को 3 वैकेंसीज इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। और इसके साथ आधार पर इसमें बताया कि 5 ईयर्स से एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को उम्र में छूट मिलेगी। इसके साथ जो ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की छूट इस भर्ती प्रक्रिया में दी जाएगी।
और इसके साथ फ्रेंड्स इसमें फिर आपको बताया कि हॉस्टल अटेंडेंट की वैकेंसी के लिए मैट्रिक पास होना है, यानी कि 10th पास होना है, और इसके साथ आपके पास अनुभव होना चाहिए। इसके साथ फ्रेंड्स अनुभव भी आपको यहाँ अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अनुभव बनवाना है। देख सकती हो ये इसका फॉर्म आपको भरना है, और ये देख सकती हो नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस अटेंड सॉरी हॉस्पिटल अटेंडेंट की ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज है, तो ये फॉर्म आपको भर के भेज देना है। और इसके साथ आपको इसमें कॉन्टैक्ट नंबर बताया है, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, और इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी डिटेल जो है आपको देनी है, और इसके साथ आइडेंटिटी फॉर्म मार्क जो आपको बताने हैं, यानी कि कुछ आपको चिन्ह जो है इस फॉर्म में आपको बताना है, और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं उसकी लिस्ट जो है आपको यहाँ सेंड करनी है। फ्रेंड्स इसके साथ ये भर्ती प्रक्रिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, संविदा पे है, तो आपको कितने महीनों तक इस भर्ती प्रक्रिया में आपको रखा जाएगा रेलवे हॉस्पिटल में, तो यहाँ देख सकते हो डेट जो है आपको बताई है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 30 सितंबर 2021 तक होगा, यानी कि 30 सितंबर 2021 तक आपको इस भर्ती प्रक्रिया में रखा जाएगा। और यदि कोविड की सिचुएशन 30 सितंबर तक नहीं हो पाती है तो आपको इसमें आगे भी इसके कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम 30 सितंबर इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेट है वो इसमें आपको बताई गई है। तो फ्रेंड्स ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में।